मॉर्निंग, जय माता दी, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सुबह का झाड़ू पोछा करने के बाद नहा कर आई हूँ अभी। आज ठंडा मौसम है, बारिश वाला मौसम लग रहा है, तो फिलहाल नहा कर आई हूँ अभी। मुझे पूजा करनी है और उसके बाद फिर नाश्ता बनाना है, और वीडियो स्टार्ट हो ही चुका है पहले से ही। तो आज डेली की रूटीन जो भी है, दोपहर शाम तक की जो भी बनेगा वीडियो, तो बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल पहले जोत जला लेते हैं। छोटे बेटे को नाश्ता दे दिया है क्योंकि उसने जाना है स्कूल। पता नहीं आज बस आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, बस अभी तक नहीं आई है उसकी। तो देखते हैं, फिलहाल पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी नाश्ता बनाना है। आज ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो सुबह का झाड़ू पोछा, छोटे वाले बेटे को नाश्ता, ये वाला काम मेरा निपट चुका है। और नहा धोकर अभी पहले पूजा कर लेते हैं। आप लोग भी मत्था टेक लीजिए, सुबह की आरती हो चुकी है। और छोटे वाले बेटे को नाश्ता करवा दिया है, बड़े वाला अभी सो रहा है क्योंकि आज है उसकी छुट्टी। तो अब अपने लिए भी और बड़े वाले बेटे के लिए भी, इनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। बड़े छोटे वाले बेटे को पहले ही करवा दिया है मैंने, तो आलू के पराँठे बनाए हैं आज। और वैसे पराठे गर्मा गर्मी अच्छे लगते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू पोछा अपने जो और काम है वो कर लेते हैं। तो जब गर्मा गर्म बनेंगे पराठे तभी दूंगी जब ये उठेंगे। तो छोटे वाले बेटे का भी आज पता नहीं क्योंकि बस अभी तक नहीं आई है। वैसे 7:10 पर आ जाती है बस, लेकिन आज 7:30 होने वाले हैं, बस अभी तक भी नहीं आई है। तो देखते हैं बाहर जाकर। और यहाँ पर देखिए छोटे वाला बेटा खड़ा हुआ है, और इसका दोस्त भी है, यही गाँव का ही है, ये भी दूसरे वाला लड़का जो है, और बस अभी तक नहीं आई है। तो शायद लगता नहीं कि बस आएगी क्योंकि इस टाइम ना 7:45 का टाइम हो रहा है, और हुआ वही बस नहीं आई, लेट आई है बस, 8:45 बजे आई थी बस। तो स्कूल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके पापा और इसका भाई बड़े वाला मेरा बेटा है जो, वो जा रहे हैं शादी में, तो इसका भी दाना पानी वहीं का ही था शायद, तो ये भी जा रहा है स्कूल से, इसकी छुट्टी हो चुकी है। तो सभी शादी में चले गए हैं और मैं अकेली घर पर हूँ, तो अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पे मलाई रखी हुई थी मेरी, क्योंकि मैं बागड़ चली गई थी बीच में 5-6 दिन, ऐसे ही मेरी मलाई एक्स्ट्रा हो गए थे 5-6 दिन, नहीं तो पहले ही करनी थी मुझे। तो आज मलाई भी कर लेते हैं। और अभी मुझे एक ना सूट कटिंग भी करना है, वो भी करवा चौथ से पहले का पड़ा हुआ है सूट भी, तो वो भी कटिंग करना है। तो फिलहाल पहले मलाई कर लेते हैं, और दोपहर का जो खाना है वो भी बनाना है। बीच बीच में दुकान में जाना पड़ता है इसलिए मुझे थोड़ा काम निपटाने की जल्दी रहती है। तो यहाँ पर मलाई मेरी हो चुकी है, तो मलाई को रख दिया है मैंने, इसमें मक्खन बन चुका है तो मक्खन को रख दिया है गैस के ऊपर, और एक साइड में ही रख दिया है मैंने जो इसमें जो इसका जो दूध बचा होता है वो, क्योंकि इसका बना लेंगे हम पनीर, और इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं अभी। तो जब तक ये दूध गर्म होता है और मक्खन का घी बनता है, तब तक मैं और काम कर लूँगी, अपने सूट वगैरह कटिंग कर लूँगी तब तक। तो मलाई अपने होती रहेगी, पहले फुल आँच पर किया है मैंने और अब सिम कर दूँगी, आँच को कम कर दूँगी। तो चलिए फिर पहले मैं सूट काट लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर और काम, तब तक घी भी बनता रहेगा। तो यहाँ पे सूट ना ये करवा चौथ से पहले का पड़ा है, वैसे तो मैं बीच में सिल देती लेकिन जिनका ये सूट है ना उन्होंने अभी नाप नहीं दिया था अपना, तो वो कल ही देकर गए हैं, तो आज कटिंग कर लेते हैं। सिलाई का तो पता नहीं होगा कि नहीं आज सिलने का टाइम मिलेगा कि नहीं, लेकिन कटिंग करके रख लेते हैं क्योंकि जब भी टाइम मिलेगा ना फिर इसमें सिलाई बज ही जाती है अगर कटिंग करके रखा होता है। तो पहले सूट कटिंग कर लेते हैं, बीच में फिर से मुझे दुकान पे जाना पड़ा। और ना जैसे वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में तो बहुत कम दिखाते हैं लेकिन बीच में बहुत काम होते हैं, जैसे अभी पानी आया था तो मुझे पानी भी भरना था, दुकान में कोई आया था तो दुकान पर भी चले गए थे, और बीच में ही कोई मेहमान भी आ जाते हैं तो फिर उन्हें भी चाय पानी देना होता है, तो इसलिए काम बहुत लंबा हो जाता है। जैसे सूट कटिंग करते करते ना मुझे 2 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि बीच में कभी कुछ काम, बीच में मलाई भी देखनी होती है जो घी बन रहा है, तो सारे काम बीच में चले रहते हैं ऐसे छोटे मोटे जो भी काम हैं। फिलहाल पहले सूट कटिंग कर लेती हूँ, और अभी फिर से दुकान पे कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो शायद मुझे फिर से बाहर ना जाना पड़े। तो यही होता है मेरे साथ जब भी मैं सूट कटिंग, अच्छा बच्चे घर पे होते हैं ना तो इतना नहीं होता है क्योंकि बच्चे दुकान पे बैठ जाते हैं, तो मैं अंदर काम करती रहती हूँ, फिर इतना नहीं होता है कि चलो बाहर कोई बैठा हुआ है, लेकिन जब अकेले होते हैं तो फिर थोड़ा होता ही है, जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि बाहर भी ध्यान रखना पड़ता है दुकान पर। और यहाँ पर मेरी सूट कटिंग तकरीबन हो ही चुका है, सलवार कट कर दिया मैंने, और इसी बीच ना जब मैं सूट कटिंग करने लगी तो कोई आ गए थे घर पर, तो उन्हें चाय पानी
दिया, उसके बाद वो अब चले गए हैं। तो रोटी तो नहीं खाई उन्होंने, रोटी बोला था मैंने दोपहर का खाने की टाइम हो रहा है, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। तो यहाँ पे सूट कटिंग करने के बाद मैं आ चुकी हूँ फिर से अपनी रसोई में, और यहाँ पे घी बन चुका है और जो दूध गर्म करने के लिए रखा था वो भी हो चुका है। उसकी भी मैंने वो पनीर निकला है उसमें थोड़ा सा वो रख दिया है, उसके पराँठे बनाएंगे दूसरे दिन। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी है, काले चने भी होकर रखे थे, आलू और काले चने की सब्ज़ी बनाई है, थोड़े से बनाऊँगी चावल। आज पूरा दिन ऐसा ही मौसम था कि पूरा दिन बादल छा रहे हैं। मंजा उठा देते हैं यहाँ से, एक ना फोल्डिंग का मंजा रखती हूँ मैं यहाँ पे धूप में बैठने के लिए, लेकिन आज धूप है ही नहीं तो उसको कर देते हैं साइड में। बारिश का मौसम लग रहा है, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं। पूरा दिन ऐसा ही था आज, ठंडा मौसम हो रहा है आज। तो चलिए फिर वीडियो को भी तो वीडियो का यही पैंड कर देते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कमियां हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर इस वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।